बैक टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गरम मसाले की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे हम किस तरीके से घर में बनाते हैं और यह लंबे समय तक इसे आप डब्बे में रखकर सब्जी में आप डालें या और किसी रेसिपी में डालें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यह दालचीनी है, यह जावित्री थोड़ा सा लिए हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, लौंग, शाही जीरा और इसे जाफर बोलते हैं, यह देखिए, और यह चक्र फूल है, यह एक तरीके का फूल होता है, यह बड़ी इलायची, छोटी इलायची। तो इसे हम सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं। यह जाफर जो है हम इस तरीके का टुकड़ा चूर लिए हैं। इस टुकड़े में से आप अपने गरम मसाले की क्वांटिटी के अनुसार दे सकते हैं। यह हमारा ज़्यादा मसाला नहीं है इसलिए हम इसकी क्वांटिटी कम देते हैं। करने के लिए हम देखिए यहाँ बर्तन लिए हैं, यहाँ थोड़ा मोटा बर्तन आपको लेना है इसे रोस्ट करने के लिए। इसमें सारे हम मसाले को डाल देते हैं और इसे हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। लगभग 20% इसे हमें रोस्ट करना है ताकि हमारा इसका फ्लेवर अच्छा मिले। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो आपका मसाला जला हुआ लगेगा। सारे मसाले को देखिए हम रोस्ट कर लिए हैं, इसे हम पीस लेते हैं, हम ब्लेंडर में डाल देते हैं। अब देखिए हमारा गरम मसाला यहाँ पीस के तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी गरम मसाले को रोस्ट करके पीस लेंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दें और जब आपकी इच्छा हो तब सब्ज़ी में डालकर इसे खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी बनाएं मसाले को, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।